हेलो मेरे दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है, सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। सिंगापुर आना चाहते हो, कन्फ्यूजन बहुत सारी है, उसमें से एक कन्फ्यूजन वाला सवाल मेरे पास आया था। तो आपकी कोई कन्फ्यूजन है या आपका कोई सवाल है और आप अपने कमेंट्स में मुझे दे सकते हो, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, यूट्यूब की रिकमेंडेशन से ये चैनल देखा, तो विदेश जाने का सपना ये चैनल आपका पूरा कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर आपको सिंगापुर आना चाहते हैं, मलेशिया आना चाहते हैं, यूरोपियन कंट्री में पोलैंड, माल्टा, क्रोशिया, बुल्गेरिया में जॉब लेना चाहते हैं एजेंसी, क्योंकि पहली बार जब हम विदेश जाते हैं तो एजेंसी की डिटेल जो है मैंने अपने चैनल की वीडियोस में डाल रखी है। ओमान का था, देखो अगर 15,000 10,000 की जॉब इंडिया में करो, मेरी भाई रिक्वेस्ट है मेरी, आप बाहर निकलो, 50-60 हज़ार रुपए आराम से आप कमा सकते। देखो मैं 15,000 की जॉब 10 साल 12 साल पहले करता था ना, आज भगवान की दुआ से सब कुछ है, अच्छी लाइफ फ्यूचर की हो सकती है। 10 साल आपको विदेश में काम, अपनी अगर अपनी लाइफ को अच्छी गुजारना चाहते हो, अपनी फैमिली को देना चाहते हो, तो विदेश जाओ। तो क्योंकि अगर इंडिया में अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो कोई रास्ता नहीं है। 10-15 हज़ार की नौकरी में कुछ नहीं होने वाला है, खाने पीना और अगर फैमिली है आपकी तो कुछ भी नहीं उसका होना है। तो विदेश जाके निकल सकते हो, तो विदेश में जॉब कर सकते हो। 1-10 साल तक आपने मेहनत कर ली, उस पैसे को बचा लिया, इन फ्यूचर आपकी लाइफ बहुत अच्छी 100% होने वाली है, ये मेरा दावा है। तो आज का जो सवाल है, तो मेरे चैनल की वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे तो आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो आज का जो सवाल है ब्रो, आई कंप्लीटेड। तो सबसे पहले सोलो क्रिकेटर 7997 आपका सवाल है, आप मुझे कमेंट्स करना। तो मेरे चैनल पे हमेशा कमेंट्स के जवाब की वीडियोस मिलती हैं और वैकेंसीज की अपडेट है, तो इस चैनल को जुड़े रहें। तो आज का जो सवाल है ब्रो, आई कंप्लीटेड बीटेक एंड माय एजेंट सेइंग यू कैन गो ऑन टीईपी वीजा, विल वी कन्वर्ट दैट इनटू एसपास, आस्किंग 2 लाख रुपीज, प्लीज रिप्लाई। तो सबसे पहले आपको यह समझाते हैं, भाई सिंगापुर आ रहे हो तो सिंगापुर के वर्क परमिट, एसपास और एम्प्लॉयमेंट पास की एलिजिबिलिटीज क्राइटेरिया के बारे में जानो। अगर आप बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक की जो आपके पास डिग्री है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री है, आप एलिजिबल हो एस पास के लिए, सबसे पहली बात है। तो जो सब्सक्राइबर है मेरे, उनको मैं एक सीधा सा सिंपल सा जवाब देना चाहता हूं। तो अगर आप टीपी एक ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट पास है कन्वर्ट नहीं होगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने एजेंट से ये बोले कि सर मुझे डायरेक्ट एस पास के लिए कोई अप्लाई, क्योंकि एस पास और वर्क परमिट के लिए कोटा चाहिए होता है। टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट पास आपका 3 महीने का होगा, 1 महीना एक्सटेंड, उसके बाद आपको वापस इंडिया भेजा, तो आप 2 लाख रुपये जितना लगा रहे हो उतना ही आप बचा भी नहीं पाओगे, या 2 लाख लगा के 3 लाख, 1 लाख का प्रॉफिट होगा। लेकिन इन फ्यूचर में आपको अगर अभी एस पास मिल रहा है तो 2 साल में, अगर आप महीने की 1 लाख सैलरी है तो 2 साल में 24 लाख के आसपास बचा सकते हो। अगर कंपनी में रिन्यूअल नहीं होता तो भी 2 साल में आप 25 लाख रुपए के आसपास बचा सकते हो। आई होप सो आपको चीज समझ में आ गई होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है टीईपी पे ना आने के बाद, क्योंकि आप एस पास के लिए एलिजिबल हो, आप एस पास अप्लाई करो। आई होप सो वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।